हिंदी का व्याकरण ग्रामर का टॉपिक था। वेरी गुड वेरी गुड, व्याकरण का एक टॉपिक था। और अभी आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखो और सुनो। देखो और सुनो, तो लास्ट टाइम हमारे कुछ वर्ड्स थे इलायची, छिपकली, ईद, ओके, ढलान, साइकिल याद किए थे अभी आज का। वेरी गुड। तो आज हम लेसन हमारा आज का स्टार्ट करने से पहले आज का गुड थॉट हम क्या करेंगे आज, सुविचार से हमारे दिन की शुरुआत करेंगे। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीनों में मिलती है। तो सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। मतलब आजकल सफलता क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गॉड के पास जाके प्रेयर करते हैं कि मुझे सफलता दे दो, सफलता दे दो। लेकिन सफलता इससे मिलती है क्या, हाथों के लकीरों में नहीं होते। उसे सफलता पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। देखो अभी स्क्रीन शेयर हो चुका है। हाँ सर, तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो जितने सारे पिक्चर्स आएंगे, जितने सारे पिक्चर्स आपके स्क्रीन के सामने आएंगे, आपको क्या करना है, उसको पहचानना है और मुझे बताना है वो पिक्चर इसके बारे में। तो मुझे बताओ ये पिक्चर किसके बारे में है? यहाँ पर एक काऊ है। ओके, तो दूसरा पिक्चर आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, वृक्ष। हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 पे आपको ये सब पिक्चर्स दिखाई देंगे। हमें क्या करना है, देखो और सुनो। पहले हमें क्या करना है, देखना है और बताना है कि ये पिक्चर किसके बारे में। पहले वृक्ष है, उसके बाद ऋण है। थर्ड नंबर पिक्चर है कौन सा है, फोर्थ नंबर षटकोण। ये कौन सा पिक्चर है, भवन। भवन। ये कौन सा पिक्चर है, क्षमा। क्षमा। ये क्या है, अंबर। पहले क्या करना है, हमें सब पिक्चर्स ऑब्जर्वेशन करना है, रीडिंग करना है। बाद में हम शुरू से लेके स्टार्ट करेंगे फिर एक बार। ये क्या है, अंगूठी। अंगूठी। आपको ये पिक्चर जब रीडिंग करते तो उसमें लिखने में कुछ तो चेंजेस किया, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। ये हमें बाद में देखना है कि ऐसा क्यों लिखा है। ये क्या है, ऑटो। ऑटो। ये ऑटो है। ये दोनों पेज पर ये लेसन है, पेज नंबर 19। तो ये कौन सा पिक्चर है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। ये क्या है, बकरी। बकरी। ये ओगन। ओटन। ओगन। एंगीठी। एंगीठी। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। ये क्या है, यंत्र। श्रवण यंत्र। श्रवण यंत्र। ये है श्रवण यंत्र। ये क्या है, धनुष। धनुष। ये किसके बारे में है पिक्चर, प्रात। प्रात। वेट वेट, प्रात। हाँ, प्रात। ये क्या है, श्रावण कुमार। श्रावण कुमार। श्रावण कुमार। श्रावण कुमार। ये क्या है, संगणक। संगणक। ये क्या है, समाचार पत्र और ये है धनादेश। अभी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी हमने बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किए, रीडिंग किए। जब हम पिक्चर्स ऑब्जर्वेशन करते थे उसके नीचे हमें हर एक पिक्चर का नाम दिखाई दिया था। सबने देखा? हाँ सर। हाँ, तो बुक में भी वैसा ही है। हाँ, बुक में भी ऐसा है ना। तो आपको हर एक पिक्चर में कहाँ पे कट कट करके नाम लिखा है दिखाई दिया आपको? अभी ये धनादेश लिखा है, अलग अलग है क्या इसमें लेटर? नहीं, बिल्कुल नहीं। भी इसके पहले हम यहाँ पे आएंगे, समझो धनुष। तो ये तीनों धनुष ऐसा लिखा है। तो ये सब ऐसा क्यों लिखा है? इसके लिखने के पीछे उनका मकसद क्या है? इसके पीछे ग्रामर का टॉपिक क्या है, व्याकरण क्या है, ये अभी हमें देखना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर यहाँ पे, हाँ, चित्र नंबर ये ऋषभ है। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी आपको स्वर और व्यंजन के बारे में पता है? हाँ। तो मुझे कौन बताएगा स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वर 12 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 12। और वो स्वर कौन से है? आहा, वेरी गुड। तो 12 स्वर होते हैं और वो स्वर है अ आ ई उ ए ओ औ अम आह। सर, हाँ, ओ और तो निकले ना। हाँ, तो वो हमें अभी इसमें भी देखना है कि और कौन से स्वर आए। देखो यहाँ पे, देखो और सुना, देखो और सुनो में सबसे ऊपर, पेज के सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दो नए लेटर दिखाई देंगे, ए और नया है। हाँ, तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, रहता है? ए ओ, ए ओ। अभी 12 खड़ी में भी ये दो नए लेटर उसमें ऐड कर दिए हैं और इसका हमें पढ़ाई में भी ध्यान रखना है कि वो स्वर लेके किस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये हो गए स्वर 12। उसके बाद व्यंजन कितने होते हैं आपको याद है? व्यंजन व्यंजन होते हैं 45। स्वर होते हैं 12, व्यंजन होता है 41 होते हैं व्यंजन, और संयुक्त तो व्यंजन 4 होते हैं। तो व्यंजन 41 जो व्यंजन है वो कौन कौन से है? क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ न त थ ध न न्या। तो ये सब व्यंजन होते हैं। स्वर, हाँ, स्वर और व्यंजन मिला के ही उनसे भी भाषा बोली जाती है, लिखी जाती है। इसके अलावा स्वर व्यंजन और संयुक्त व्यंजन ये सब मिला के 53 वर्ण है। हिंदी भाषा में कितने वर्ण है? 53 वर्ण है। और ये वर्ण स्वर व्यंजन मिला के ही कौन से भी वर्ड बनते हैं, लेटर बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं। अभी सबसे पहला जो आपके सामने पिक्चर दिखाई देता है वृषभ। उसके बाद आपको याद होगा सबसे लास्ट में हमने एक पिक्चर देखा था, वो क्या था? इसी स्लाइड में, समाचार धनादेश। वेरी गुड, धनादेश के पहले समाचार देखा था और उसके बाद धनादेश देखा था। तो वो धनादेश और वृषभ, इसमें आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ऐसा कट कट करके क्यों लिखा होगा सर? यहाँ पे ये पहला इस पिक्चर दिख रहा है, वृक्ष का नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे जो पहले तो पिक्चर रहे वृषभ और वृक्ष, ये जो पहले है बिना मात्रा वाली पंक्ति है। क्या है? इनको मात्रा बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा मात्रा और वेलांटी उकार, आपको याद है सब? हाँ, यस। काना, yes। मात्रा, काना, हाँ? मात्रा, काना, एक मात्रा, काना, एक काना, एक मात्रा, पहला उकार, दूसरा उकार, फिर एक काना एक मात्रा, वेलांटी, पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, एक मात्रा, दो मात्रे, एक काना एक मात्रा, फिर एक काना दो मात्रे, उसके बाद उस अक्षर के ऊपर अनुस्वार और उसके आगे दो डॉट रहते, उसे आहा कहते हैं हम। क के आगे रहेंगे तो कहा कहेंगे, अ के आगे रहेगा तो आहा, ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो पहली बिना मात्रा वाली पंक्ति है, ये क्या है? बिना मात्रा वाली पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति जो है वो पूर्व पृष्ठ की मात्रा वाली है, मतलब उस वहां पे क्या है, कुछ मात्रा है, जैसे षटकोण रहेगा, क्षमा रहेगा, आगे हम पिक्चर्स वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पेज पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दूसरी जो पंक्ति है उसमें मात्रा वाली है, और तीसरी पंक्ति अनुस्वार, हाँ, तीसरी पंक्ति में क्या है? अनुस्वार है। अभी आपको फर्स्ट पहली पंक्ति में अनुस्वार है क्या? कहाँ पे? अनुस्वार नहीं है, मात्रा नहीं है। अभी दूसरी पंक्ति में मात्रा है, काना है, एक काना है, एक मात्रा है, और ये सब दूसरी पंक्ति में। तीसरी पंक्ति में अनुस्वार है और उसके आगे सब अनुस्वार, काना, मात्रा, इस तरह से हमें देखना है। तो फर्स्ट क्या है? वृक्ष। फर्स्ट क्या है? एक मिनट, फर्स्ट वाला पिक्चर कौन सा है? वृषभ। वृषभ मतलब क्या है? गाय। रोषभ क्या है? ये आपको पता है, उसमें व्यंजन स्वर है, ये सब व्यंजन है। क्या है? वृषभ मतलब व्यंजन है। यहाँ पे हाँ, काना नहीं, मात्रा नहीं और वेलांटी नहीं है, वृषभ है और ये गाय का पिक्चर है। सेकंड पिक्चर देखो, यहाँ पे दूसरा कौन सा पिक्चर है? वृक्ष। वृक्ष, वृक्ष को भी ना मात्रा है, ना काना है, ना वेलांटी है। देखो और सुनो, यहाँ पे ऊपर सेकंड पिक्चर देखो बुक में भी, तो रू के आगे क्या किया है? रू के आगे वाला एक छोटा पिंक कलर में दिखाई दे रहा है आपको सिंबल, तो वही सिंबल यहाँ पे यूज किया है व को। अगर वो सिंबल नहीं होता वृक्ष तो उसे क्या कहते हैं? वृक्ष रहता, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे रहता? वृक्ष। वृक्ष मतलब वृक्ष, मतलब वृक्ष। ये कौन सा वृक्ष है? अगर आप यहाँ पे पिक्चर्स देखेंगे कौन सा वृक्ष होगा? नीम का होगा, आम का होगा, इमली का होगा, कौन सा होगा ये वृक्ष? वड़े के ट्री का। वेरी गुड, मतलब आपने ये वृक्ष देखा है। कौन सा वृक्ष है? वड। वड, हाँ, वड का पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ रहता है। और इसको देखो यहाँ पे नीचे कुछ जैसे धागे जैसी उसकी क्या होती है, नीचे नीचे जमीन की तरफ आने लगते है, उसे वृक्ष कहते हैं। तो वृषभ और वृक्ष दोनों बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं। हाँ, सालों तक, तो, 100 सालों तक तो वो जिंदा रहते हैं सर। तो, इसकी पूजा भी करते हैं ना? हाँ, वृक्ष इस वड की पेड़ की पूजा भी करते हैं, और ये बहुत बड़ा पेड़ रहता है, धूप में बहुत अच्छी छाव मिलती है इसकी। तो हमने अभी दो पिक्चर्स देखे, वृषभ और वृक्ष, दोनों ही बिना मात्रा वाले लेटर हैं। अभी थर्ड नंबर देखो यहाँ पे दूसरी पंक्ति में मात्रा वाले वर्ड्स, अभी यहाँ पे ऋण, षटकोण, भवन और क्षमा इसके बारे में देखेंगे। तो ये ऋण मतलब क्या, कौन बताएगा मुझे ऋण मतलब क्या? एक सीधी लाइन। हाँ, एक सीधी लाइन। हम गणित, हम जब मैथ्स का पढ़ाई करते हैं, मैथ सब्जेक्ट की, तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सिंबल होते हैं। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? ऋण। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? माइनस। माइनस कहते हैं ना, 5 - 5 = 0। मतलब ये कौन सा सिंबल है? ऋण। कौन सा इसे क्या कैसे रीडिंग करेंगे हम? ऋण। ऋण। उसके बाद ये कौन सा है पिक्चर? षटकोण। षटकोण, इसे षटकोण क्यों कहते हैं? कौन बताएगा मुझे इसे षटकोण क्यों कहते हैं? इसे त्रिकोण क्यों कहते हैं? 6 ये होते हैं, साइड्स होते हैं, क्योंकि इसे 6 साइड होते हैं इसलिए क्या कहते हैं उसको? षटकोण कहते हैं। सबसे पहले हमने वृषभ देखा, अभी यहाँ पे षटकोण देख रहे हैं। वृषभ ने हमने देखा व्र, श और भ, तीनों लेटर क्या है? अलग अलग लिखे हैं, लेकिन षटकोण में ऐसा किया है क्या? नहीं, उसको मिला के लिखा है षटकोण। अभी यहाँ पे काना क्या है, मात्रा कौन सा है? क को काना और एक मात्रा है। क को एक काना और एक मात्रा दिया है और बाकी सब क्या है? व्यंजन है। श, ट, क और न, ये सब क्या है? इसमें स्वर है क्या कहाँ पे? नहीं, कुल स्वर नहीं है इसमें, क्या है? सब व्यंजन है और इसमें एक काना और एक मात्रा दिया है, इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो गया? उच्चार कैसा करेंगे हम? षटकोण। तो षटकोण को 6 साइड होती है देखो यहाँ पे, इसलिए उसे षटकोण कहते हैं। त्रिकोण को कितने साइड होती है? त्रिकोण 3, उनको 3 साइड होती है। उसके बाद चौकोन, त्रिकोण, चौकोण, षटकोण। चौकोण को कितने साइड होंगे? 4 साइड रहेगी, तो उसे चौकोन कहते हैं। और जो सर्कल होता है हमारा गोल, उसको कितने साइड होते हैं? 9 साइड। 9 साइड, वेरी गुड। सर्कल को बिल्कुल भी साइड नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पे षटकोण को, षटकोण इस शब्द में क को एक काना और एक मात्रा है। उसके आगे भवन। भवन क्या है? भवन। भवन, इसमें स्वर है क्या? नहीं, इसमें बिल्कुल स्वर नहीं है, व्यंजन है। और इसमें तीनों व्यंजन कौन कौन से हैं? भ, व और न। हाँ, भ, व, न, 3 व्यंजन है भवन। तो अभी इस पिक्चर की तरफ देखने के बाद आपको भवन मतलब क्या पता चलता है? यस। हाँ, भवन मतलब क्या? भवन मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग। हाँ, घर होता है, बिल्डिंग होती है, उसे क्या कहते हैं? भवन होता है। एक से ज्यादा उसमें क्या होती है? रूम्स होती है। इसमें बहुत जन रह सकते हैं। मोर देन रूम्स, बहुत सारे रूम्स रहते हैं उसमें। हाँ, खोली रहती है और एक के ऊपर ऐसा उसको डिजाइन में बनाया गया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भवन। भवन। अभी आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है वो किसके बारे में है? क्या है उसमें? क्या क्या लिखा है इसमें? क्षमा। क्षमा, क्षमा मतलब क्या? माफी मांगना। हाँ, माफी मांगना। समझो अगर किसी ने गलती की है, या फिर हमसे गलती हो चुकी है, तो हमें क्या करना है? उसमें सामने वाले से क्षमा मांगना है। जैसे हम बोलते हैं ना सॉरी, गलती से हम हमारे दोस्त के साथ कुछ झगड़ा हो गया, क्या हो गया, तो क्या करते हैं आप? सॉरी बोलते हैं और झगड़ा वहां पे भी होता है। इसलिए क्षमा बहुत ही अच्छी चीज है, क्षमा मांगना बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या होता है झगड़े मिटते हैं और आपस में प्यार बढ़ता है। तो क्षमा, इसमें आपको स्वर दिखाई देते हैं, व्यंजन दिखाई देते हैं, काना है, मात्रा है, क्या है? मात्रा। इसमें एक मात्रा नहीं है, इसमें एक काना है बेटा। इसमें क्या है? काना है। क्षमा में क्या है? काना। हाँ, म को काना दिया है तो क्षमा, और दो ही इसमें व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं है और कोई उकार नहीं है, वेलांटी नहीं है, इसमें खाली एक काना दिया है, इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? क्षमा। कैसा है इसका प्रोनाउंसिएशन? क्षमा। क्षमा। उसके बाद क्षमा के बाद क्या है? अंबर। अंबर। अंबर मतलब क्या? आसमान। आसमान। देखो यहाँ पे अंबर मतलब आसमान है, यहाँ पे कुछ पंछी भी दिखाई देते होंगे आपको, और पंछी के साथ और क्या दिखाई दे रहा है? ढग। हाँ, बादल है, ढग है, क्लाउड्स है, उसे क्या कहते हैं? क्लाउड भी कहेंगे हम, बादल कहेंगे, या फिर तो अभी अंबर के पहला वाला हम कौन सा लेटर था? क्षमा। क्षमा। अभी यहाँ पे फिर से हमें अ, ब और र तीनों के क्या किया है? अलग अलग पार्ट किए, अलग उसको अलग अलग लिखा है। और इस यहाँ इसमें कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, कौन बताएगा? कितने मात्राएं हैं? इसमें दो व्यंजन है और एक ना सर, इसमें एक ही व्यंजन है। इसमें दो व्यंजन है बेटा और एक स्वर है, एक स्वर और दो व्यंजन, और अ पर टिम्बा दिया है। हाँ, तो अ पर टिम्बा दिया है, इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? स्वर वो स्वर है, अ और स्वर है, ब और क्या है? व्यंजन है। तो अ के ऊपर जो डॉट दिया है उससे क्या कैसे होता है उसका प्रोनाउंसिएशन? अंबर। अगर वो डॉट निकाल देंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? अबर। अबर। तो उसका पूरा उस पिक्चर का मीनिंग ही चला जाएगा। अबर मतलब क्या है ये अबर? अगर यहाँ पे सब क्लाउड्स, बादल दिखाई दिए और पंछी दिखाई दिए उड़ते, लेकिन के ऊपर का डॉट ही निकाल दिया अबर, तो ये सब मीनिंग उसमें कुछ मीनिंग नहीं रहेगा, बराबर है। तो अंबर में अ के ऊपर अनुसार जरूरी है। अंबर। फिर ये वर्ड क्या है? अंगूठी। अंगूठी। तो स्वर में अभी दो स्वर नए ऐड किए हैं, जैसे कि पहले हमने देखा था ए और अ। अभी उसमें से एक स्वर यहाँ पे आया है, वो कौन सा है इसमें? जो नए स्वर थे उसमें दो स्वर ऐड किए हैं, मिला दिए हैं, और उसमें से एक स्वर यहाँ पे इस लेटर में हमें दिखाई देता है, इस शब्द में। कौन सा है वो स्वर? आ। कौन सा है? ए। तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा रहेगा? ए अंगूठी। 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 अभी इसमें स्वर है, मात्रा है, वेलांटी है, क्या क्या है इस लेटर में? उकार। हाँ, वेरी गुड। एक उकार है, पहला है क्या दूसरा उकार है? दूसरा उकार है। और क्या है? एक काना और एक वेलांटी भी है। इस शब्द में एक स्वर है, एक उकार है दूसरा, और एक काना और एक वेलांटी है दूसरी, तो इसलिए उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा हो गया? अंगूठी। 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 थी। तो ये लेटर लिखते समय अ को बहुत डार्क किया है। डार्क किया है मतलब क्या है, ये स्वर है, स्वर है। अंगूठी में ए को क्या किया है, डार्क किया है। और दूसरे दो शब्द, दो लेटर कैसे है, हाँ लाइट है, इसलिए हमें देखते ही पता चलना चाहिए कि ये क्या है, स्वर है। अंगूठी, देखिए आपने सबने अंगूठी, हाँ अंगूठी किसकी बनती है, अंगूठी है सोने की होती है, चांदी की होती है, चांदी की भी होती है, चांदी की भी होती है, और डायमंड, हाँ डायमंड भी होती है। ये तीनों में से, हाँ तीनों में से ज्यादा महंगी कौन सी अंगूठी रहेगी, डायमंड। डायमंड की अंगूठी ज्यादा महंगी रहती है। तो यहाँ पे अंगूठी, इसे क्या कहते हैं, अंगूठी। आपने देखे होंगे, पहने होंगे, पहनते ना आप, हाँ नहीं ठीक है, तो इसे कहते हैं अंगूठी। अंगूठी के बाद क्या आया, ऑटो। ऑटो, अंगूठी में और ऑटो में दो नए स्वर हमने सीख लिए अभी इसमें। अंगूठी में ए और ऑटो में अ। जो बारह स्वर थे उसमें अभी दो स्वर हमें ऐड करना है, मिलाने हैं। तो टोटल कितने स्वर हो जाएंगे हिंदी में, 14 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 12 में 2 मिलाएंगे तो 13 और 14 हो जाएंगे। और वो दो जो स्वर मिला है वो है ए और अ, ए और अ, ए ओ। हाँ, इसमें कितने स्वर है, इस पिक्चर में, इस लेटर में कितने स्वर है, एक ही स्वर, दो स्वर है, एक स्वर है, हाँ एक स्वर है। और जो नया स्वर है वही इसमें मिलाया है। और एक काना और एक मात्रा है, व्यंजन को दिया है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चार कैसा रहेगा, ऑटो। ऑटो, अगर उसमें ऑ नहीं होगा तो वो होगा ऑटो। ऑटो कुछ उसका मीनिंग नहीं रहेगा और समझने वाला कुछ नहीं समझेगा। तो इसमें ऑटो ए और नया स्वर आया है, और ट क्या है, व्यंजन है, उसको एक काना और एक मात्रा दिया है। फिर इसमें और एक बार आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा, जो स्वर है उसको बोल्ड किया है, और जो व्यंजन है, काना है, मात्रा है, उसको लाइट किया है। दिखाई दिया? हाँ सर, हाँ सर कहेंगे। उसके बाद अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में भी आपको अ के ऊपर डॉट है, और अ जो है अ, उसका उच्चार कैसा रहेगा, अन, 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 अन। तो ये क्या है, स्वर है, अ के ऊपर डॉट दिया है, ये स्वर है। बाकी तरीक्ष ये स्वर नहीं है, इसलिए उसको ऐड किया है। और उसका उच्चार कैसा रहेगा, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। अभी इसमें स्वर को छोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे 3 व्यंजन दिखाई देंगे और एक वेलंटी दिखाई देगी। पहली वेलंटी है क्या दूसरी वेलंटी है, पहली वेलंटी है। र को पहली वेलंटी दी गई है। तो इसमें एक स्वर है, 3 व्यंजन है, एक वेलांटी है, और ये शब्द हो गया अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या, जो सूर्य, प्लैनेट्स, हाँ प्लैनेट्स, यहाँ पे सन, मून, शनि, ये सब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सैटर्न, सैटेलाइट होते हैं। तो ये सब क्या है, अंतरिक्ष है, ये अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। और इस शब्द का हम उच्चार कैसा करेंगे, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। उसके बाद आपके सामने पिक्चर दिखाई दिया है, गाय का है, बकरी है क्या गाय है, बकरी। भी अंतरिक्ष और बकरी, ये दो वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। अंतरिक्ष में कट करके लिखा था अंतरिक्ष, और बकरी में बकरी ऐसा लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये तीनों व्यंजन है, इसमें किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई बोल्ड लेटर लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसके पहले हमने जो जो वर्ड्स देखे उसमें क्या था, स्वर को बोल्ड किया है और व्यंजन को लाइट किया है। अभी इसमें बकरी है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें तीनों व्यंजन है और एक वेलांटी है। दूसरी वेलांटी क्या पहली वेलांटी? दूसरी वेलांटी, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हुआ है? बकरी। बकरी क्या कहेंगे इसको? बकरी। देखिए सबने बकरी। यस। बकरी के बाद यहाँ पे और एक शब्द है अंगीठी। ये क्या है? अंगीठी। अंगीठी, अंगीठी। देखिए आपने अंगीठी मतलब गैस। हाँ, लेकिन ये गैस नहीं होता है, इसमें क्या होता है, लकड़ी का चूरा इसमें भरा जाता है, उसे अंगीठी कहते हैं। अभी इसमें कितने वेलांटी है, कितने मात्रा है, कितने स्वर है? अंगीठी में एक स्वर है, दो व्यंजन है और दोनों ही व्यंजन को दूसरी वेलांटी दी गई है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन एंगीटी हो गया। उसके बाद है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? एक समुद्र में मिलने वाली मछली है, उसे क्या कहते हैं? ऑक्टोपस। देखो यहाँ पे अभी ये ज्वाइंट वर्ड हो गया, अ क आधा लिखा है, उसके बाद ट है, उसको एक काना एक मात्रा है, उसके आगे प और स लिखा है। अ क्या है? काना है, स्वर है ऑक्टोपस। तो इसका उच्चार कैसा रहेगा? ऑक्टोपस। उसके आगे श्रवण यंत्र। ऑक्टोपस और श्रवण यंत्र, इसमें हमें क्या चेंजेस दिखाई देंगे? श्रवण यंत्र, ये सब लेटर क्या किए हैं? अलग अलग प्रकार लिखे हैं, लेकिन ऑक्टोपस में ऐसा लिखा था क्या? नहीं। तो श्रवण यंत्र, देखो यहाँ पे श्रवण यंत्र मतलब जिन लोगों को सुनने में कम आता है उसके कान में एक मशीन रहती, देखिए आपने। यस। हाँ, जिन लोगों को सुनने में क्या है प्रॉब्लम होता है, उनको एक मशीन लगाई जाती है, उससे उनको बड़ी आवाज में सुनाई देता है, उसे श्रवण यंत्र कहते हैं। उसके बाद धनुष। उसके बाद क्या है? देखा है आपने धनुष? धनुष और बाण दोनों अलग अलग रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको क्या कहते हैं? धनुष बाण कहते हैं। ये अगर पिक्चर आपके सामने दिखाई दिया, इसे क्या कहेंगे? धनुष बाण। लेकिन ये धनुष बाण नहीं है, इसे खाली धनुष कहेंगे और बाण अलग होता है। न को पहला उकार है इसमें। हाँ, उसके बाद है प्रातः काल मतलब सुबह का समय। प्रातः काल मतलब कौन सा समय? मॉर्निंग का समय, सुबह का समय, जब सनराइज होता है, सन निकलता है, तब जो समय रहता है उसे प्रातःकाल समय कहते हैं। प्रात ऐसा उसका उच्चार कैसा रहेगा? प्रात। उसके बाद है श्रवण कुमार। हाँ, श्रवण कुमार की आपको कहानी भी याद होगी, उसने अपने मम्मी पापा को किस तरह से डोली में बिठा के यहाँ पे वो लेके जा रहा है। स्टोरी सुनिए ना आपने श्रवण कुमार की। यस। हाँ सर। तो मैं कुमार को पहला उकार एक दिया है। व्यंजन पहली वेलांटी, दूसरी अनुस्वार, फिर स्वर कैसा रहेगा? हर एक पिक्चर्स में हर एक लेटर में देखना है। श्रवण कुमार। उसके बाद ये है संगणक। आप सबने देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, बैंक में, हॉस्पिटल में, उसके बाद रेलवे स्टेशन पे, बहुत बड़ी कंपनी के ऑफिस में संगणक होता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं, संगणक। अभी स के ऊपर एक डॉट दिया है, इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? संगणक। और बाकी सब क्या है? व्यंजन है। बाकी सब कितने व्यंजन है? देखो यहाँ पे 3 व्यंजन है। संगणक। उसके बाद है समाचार पत्र। समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, लोकमत, लोकसत्ता, बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये क्या है? समाचार पत्र। म और च को यहाँ पे काना दिया है, बाकी सब क्या है? व्यंजन है। इसमें कितने व्यंजन है? समाचार पत्र में कितने व्यंजन है? 5 है क्या 6 है? समाचार पत्र में 6 व्यंजन है। स, म, च, र, प और त्र, ये सब व्यंजन है समाचार पत्र। आप पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या? नहीं? यस। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उससे हमें जानकारी मिलती है। समाचार पत्र। उसके बाद है धनादेश। अभी धनादेश किसको पता है? धनादेश मतलब क्या? बैंक में अगर हम जाते हैं तब चेक बैंक में जाते हैं ना, तो पासबुक होता है ना वो? पासबुक नहीं, पासबुक अलग होता है और चेकबुक अलग होता है। जो चेकबुक है और उसमें से एक चेक निकालेंगे तो उसे धनादेश कहते हैं। बैंक में हमें दूसरों को पैसे अमाउंट देने के लिए धनादेश यूज किया जाता है, या फिर खुद को अगर बैंक में से पैसे निकालना है तो भी चेक का यूज किया जाता है, उसे धनादेश कहते हैं। इसमें कितने स्वर है, व्यंजन है, मात्राएं, काना, उकार, क्या क्या है इसमें धनादेश में? धनादेश में 4 व्यंजन है, 1 काना है और 1 मात्रा है। न को काना दिया है और द को मात्रा दिया है। तो अभी आपको ना इसमें ये हमारा लेसन होने के बाद सबको काना, मात्रा, वेलांटी, पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, पहला उकार, दूसरा उकार, ये जो सब ग्रामर के टॉपिक है, ग्रामर का टॉपिक, इसके बारे में आपको क्या करना है? लिखना है और याद रखना है कि इसमें कितने व्यंजन है, कितने स्वर है, और व्यंजन को मात्रा देने के बाद, व्यंजन को 1 काना 2 मात्रा लगाने के बाद उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, ये सब आपको बाद में देखना है। धनादेश मतलब चेक। तो इस तरह से आप सबके समझ में आया होगा, व्यंजन, स्वर, मात्रा और संयुक्त व्यंजन कौन से, वर्ण कितने हैं, ये सब अभी हमने देख लिया। अभी मुझे बताओ ये कौन रीडिंग करेगा? पढ़ो मतलब रीडिंग करो। ये जो वर्ड्स है ये कौन रीडिंग करेगा? मैं रीडिंग करता हूँ, आप सुनो। तब, क्षण, अंग, श्रम, धन, मठ, सत्र, ऑन, ऑफ, आंख। देखो ऑन, ऑफ, आंख, इसमें तीनों लेटर में स्वर आए हैं जो नए स्वर है। आ ये स्वर है, ऑन, ऑफ, ऑन। अतः, नमः, नयन, वृषभ, बॉल, हॉल। बॉल और हॉल में भी यहाँ पे स्वर है। बहनों, बाजरा, तालाब, बिहारी, बेचैन, त्रिवेणी, अमृत, चिड़िया, अनुकूल, वांग्मय, षटकार। षटकार के पहला जो वर्ड है वांग्मय, वो उसे वाड्मय नहीं कहेंगे, वांग्मय कहेंगे। उससे क्या कहेंगे? वांग्मय। उसके बाद है षटकार, बंटी, कंघा, अंडा, पंप, पंख, कंठ, पंछी, अंजीर, अंकिता, अचंभा, अंगूर, बंधन, गुम्फन, झंझावात, पंढरपुर। तो ये तीनों लाइन में अलग अलग शब्द लिखे हैं। तीसरी लाइन में जो पूरे शब्द है उसके हर एक, यहाँ पे हर एक लेटर में क्या है? अनुस्वार है ऊपर। पंछी, कंघा, अंडा, पंप, पंख, दिखाई दिया। और जो बीच में लाइन है उसमें क्या है? काना है, मात्रा है, वेलांटी है। तो ये सब आप रीडिंग कर सकते हैं ना वर्ड्स? यस सर। हाँ, तो आप सबको क्या करना है? ये वर्ड्स रीडिंग करना है और लिखना भी है। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? आज का हमारा होमवर्क क्या है? देखो यहाँ पे स्वाध्याय मतलब होमवर्क। अभी जो वर्ड्स हमने रीडिंग किए, कौन कौन से वर्ड रीडिंग किया? तप, क्षण, अंग, श्रम, ये है। ये सब वर्ड आपको क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? लिखना है। और उसको दोहराना है दो टाइम में। क्या आपको उसका उच्चारण करना है और ये लिखना है। लिखेंगे सब लोग? हाँ सर। सब बच्चे लिखेंगे ना? हाँ। माइक चालू है। हाँ। माइक चालू है। हाँ, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। तो आप होमवर्क आपके सबके समझ में आया। उसके पहले मुझे कौन रीडिंग करके दिखाएगा यहाँ पे? सर मैं बोलूं? श्रावणी। बोलो, पढ़ो। तब शन अंग क्षमा धन मठ सत्र 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 ऑन ऑफ सर ये क्या है? आंख नाम नयन अतः नमः ऐसा कहेंगे। हाँ हाँ, नयन नयन ऋषभ ऋषभ हॉल बैनो बैनो बाजरा तालाब तालाब बिहारी बेचैन त्रिवेणी त्रिवेणी अमृत चुड़िया अनुकूल वांग्मय षटकार। ठीक है, तो बहुत अच्छा, आप सब अच्छी तरह से रीडिंग कर सकते हैं। ये षटकार। हाँ, बस ठीक है, आपको ये सब अभी रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने होमवर्क दिया है और ये होमवर्क फिर से एक बार देखो। स्वाध्याय होमवर्क आपको क्या करने है? ये सब वर्ड्स रीडिंग करने हैं और लिखना है वन टाइम। सर ये कहाँ पर है बुक में? पेज नंबर 19 पे देखो। 19 सबसे लास्ट ना? हाँ, पढ़ो जो है ना वर्ड्स, ये सब आपको लिखना है। ओके। तो इस तरह से आज हमने मात्रा, व्यंजन, स्वर, वर्ण, पहली वेलंटी, दूसरी वेलंटी, ये ग्रामर का टॉपिक पढ़ लिया। सबको याद हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया सबके? सबके समझ में आ गया? हेलो, सबके समझ में आ गया? यस सर। इस तरह से हमारा लेसन पूरा हो गया। देखो और सुनो, हमारा लेसन पूरा हो गया है। सब बच्चे अच्छी तरह से होमवर्क करेंगे, अच्छी तरह से राइटिंग करेंगे और उसको दोहराएंगे 2 बार। ओके ओके, बाय सर। बाय बाय।